मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ए सीवियर कंडीशन और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे फर्मनेंट पॉली रेडिक्यूलो न्यूरोपैथी होता है पॉली रेडिक्यूलो न्यूरोपैथी मीन्स मल्टीपल रेडिकल्स एंड पेरिफोरल नर्वी इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन एंड इट इज ऑटो इम्यून इन नेचर मीन्स ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है एंड इट विल एक्ट अगेंस्ट द रेडिकल्स एंड द न्यूरो पोलियोडिकुलर न्यूरोपैथी एपिडेम्योलॉजी के बारे में बोले तो एपिडेम्योलॉजी द इंसुरंस इज वन एंड फोर केसेस पर वन लैक पर्सन एनुअली इट इज मोर इन मेल्स एंड ये जो एडल्ट में देखा जाता है इट इज ए डिजीज ऑफ द एडल्ट वेरियंट जो डी बी एस है गुलेंबेरी सिंड्रोम है उसका कुछ वेरियंट्स या फिर सबटाइप्स होते हैं तो चलो देखते हैं व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ गुलेन बैरी सिंड्रोम फर्स्ट सब टाइप इज ए आई डी पी ए आई डी पी फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी उसमें क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट फीचर्स एडल्ट आर एफेक्टेड मोर देन चिल्ड्रन। 90 परसेंट ऑफ केसेस इन वेस्टर्न वर्ल्ड होता है रिकवरी रैपिड होता है एंड एंटी जी एम वन एंटीबॉडी लेस देन फिफ्टी परसेंट केस में प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक के लिए यहाँ पे डीमाइलिनेटिंग फीचर्स रहता है डिमाइलिनेशन होता है दैट इज वाई द नेम हैज बिन गिवेन एस डी पॉली न्यूरोपैथी एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉली पॉलीन्यूरोपैथी द नेक्स्ट इज एमान व्हाट इज एमान एमान स्टैंड फॉर एक्यूट मोटोर एग्जनल न्यूरोपैथी ये यूजली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट में होता है इट इज प्रिवलेंट इन चाइना एंड मेक्सिको इट मे बी सीजनल ओके रिकवरी रेपिड होता है इसमें एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंटीजी डी वन एंटीबॉडीज ए आई डी पी में एंटीजीएम वन एंटी जी एम वन इन एमान एंटी जी डी वन एटो एंटीबॉडी होता है द नेक्स्ट सब टाइप इज एमसन वॉट इज एम्सान एमसान स्टैंड फॉर एक्यूट मोटोर सेंसरी एक्जिनल न्यूरोपैथी M1 में सिर्फ मोटर होता है इन्वॉल्वमेंट, बट एमसान में मोटर सेंसरी दोनों ही इन्वॉल्व होता है दैट इज मोटर सेंसरी एक्सर्नल न्यूरोपैथी ये मोस्टली एडल्ट में दिखाई देता है वेयर एज M1 इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड ऑफ कोर्स इन यंग एडल्ट्स देन इट इज अनकमन एमसान इज अनकमन रिकवरी स्लो होता है बट बाकी दो सबटाइप्स में हम देखें कि रिकवरी रैपिड होता है एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू

ऑपथलमोप्लीजिया एटैक्शिया एंड ए रिफ्लेक्शिया यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी में एंटी जी क्यू वन बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है इन नाइनटी परसेंट ऑफ द केसेस जब हम इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं इसमें एक्जोनल या फिर डिमाइलिनेटिंग टाइप का लीजन दिखाई दे सकता है इट मे बी एक्जनल इट मे बी डिमालिनेटिंग लीजन ओके सो एम एफ एस दैट इज मिलर फिशर सिंड्रोम में antibody is NTGQ1B, NTGM1 in AIDP, NTGD1A in AMAN, and NTGQ1B in MFS. This you need to remember because this is also important from exam competitive exam point of view because you might be asked that uh, what type of autoantibody you get in AMAN or NTGQ1B antibody in which condition do you get it, okay. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर नाउ अगर हम देखें कि क्या क्या फीचर्स होता है डिमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी का एंड एक्जनल न्यूरोपैथी का एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्जनल एंड डिमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथी अगर ऑनसेट देखे तो डिमाइलिनेटिंग लीजन में ऑनसेट इस है इंसिडियस भी हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक्यूट इन ऑनसेट बट एक्जनल न्यूरोपैथी जो है दैट इज यूजुअली इनसीड्यूस पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट डिमोलीटिंग में सेंसरी लॉस मिनिमल होता है वेर एज इन एक्जनल न्यूरोपैथी में ग्लोव एंड स्टोक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी लॉस होता है रिफ्लेक्सेस डिमालिनेटिंग लीजन में ऑल डिप डिपेंडेंट रिफ्लेक्सेस लॉस्ट होता है बट एक्जनल न्यूरोपैथी में प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉक्सिमल डिपटेंडन रिफ्लेक्स एक्सेप्ट एंकल रिफ्लेक्स सिर्फ एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो सकता है बट अदरवाइज जो अदर डिपटेंडेंट रिफ्लेक्स है ओवर फ्यू डेज टू वीक्स बट अगर मात एक्जनल न्यूरोपैथी जो है उसमें रिकवरी ओवर मंथ टू ईर्स होता है ई फिट ऑर्स न्यूरोपैथी मै नॉट रिकवर ऑल्सो अगर रिकवरी होता है तो इट विल बी ओवर मंथ्स टू ये डिमालिनेटिंग में लेस रेसिडल डिजिट रहता है बेरियस इन एक्जनल में इट इज कॉमन रेसिडुअल डिफिजिट इज कॉमन सेंट्रल इन्वॉल्वमेंट डिमालिनेटिंग लीजन में रेयर है बट एक्जनल में सेंट्रल लीजन हो सकता है ड्यू टू सम सी एस एफ प्रोटीन इट इज रेस्ड इन डिमालिनेटिंग न्यूरोपैथी वेरस एक्जनल न्यूरोपैथी में ये नॉर्मल रहता है नर्व कंडन देखिए तो डिमालिनेटिंग लीजन में इट इज वेरी स्लो वेरज इन एक्जनल न्यूरोपैथी इट इज नॉर्मल और स्लाइटली स्लो ओके सो दिस इज हाउ वी मे डिफरेंशिएट बिटवीन डिमालिनेटिंग एंड एक्जनल न्यूरोपैथी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम इफ यू टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी जो गुलेनबेरी सिंड्रोम है वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम देअ बी हिस्ट्री ऑफ एन एंटीसीडेंट इवन ओके यूजली इट ऑकर्स फॉलोइंग सम इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी परसेंट ऑफ केसेस ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम ऑकर्स वन टू थ्री वीक्स आफ्टर एन अट इन्फेक्शस प्रोसेस It is usually respiratory infection or maybe gastrointestinal infection. The organisms which are commonly involved in Gulenberry syndrome are Campylobacter jejuni, human herpes virus infection like cytomegalovirus or Epstein-Barr virus infection. Other viruses may also be involved like HIV, human immunodeficiency virus, hepatitis E virus, and Zika virus.

इम्यूनोलॉजिकल बेसिस एस आई पे क्या होता है जीबीएस रिजल्ट फ्रॉम इम्यून रिस्पॉन्स टू नॉन सेल्फ एंटीजन दैट मीन डायरेक्ट टू हॉस्ट नर्व टिश्यू थ्रूम रिजेंबलेंस ऑफ एपिटो दैट इज नोन एज द मोलिकुलर मेमिक्रीम दैट मीन्स जब कोई इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में विदर्निज्म जस्ट नाउ आई है तो आवर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज इन्फेक्शस एजेंट्स लेकिन बॉडी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा दैट मे बी मिस टू द हॉस्ट नर्व टिश्यू जो एंटीबॉडी है वो नर्व टिश्यू के अगेंस्ट भी काम करने लगेगा ओके बिकॉज इट विल रिकॉग्नाइज़ द नर्व टिश्यू एज लाइक द इन्फेक्शस एंटीजन ओके सो दैट इज नोन एज द मोलिकुलर म्यूमिक्री दैट इज ड्यू टू सर्टिन क्रॉस रिएक्टिविटी रिजल्टिंग इन डीजेनरेशन ऑफ माइलिन शीत और एक्सन अल्टीमेटली क्या होता है कंडक्शन ब्लॉक होता है ठीक है दिस इज द इम्यूनोलॉजिकल बेसिस ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम पैथोफिजोलॉजी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी जस्ट लेट्स यहाँ पे क्या होता है सपोज दिस इज अ मोटो न्यूरोन ओके जो न्यूरॉन है इसका सेल बॉडी है ये एंड दिस इज द एग्जॉन ऑफ द मोटो न्यूरोन यहाँ पे वी कैन सी दैट दीज आर द एंटीबॉडीज एक अन आइडेंटिफाइड एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होता है इन द माइलिन शीत जो एंटीबॉडी है द कम एंड अटैच विद द माइलिन शीट एंटीजन उसके बाद क्या होता है आफ्टर द ऑटो एंटीबॉडी binds with the myelin sheath antigen there will be activation of complement ultimately complement activation will lead to formation of the terminal component that is mac mac stands for membrane attack complex okay मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो माइलिन शीट पे एक्ट करता है मीन्स इट विल अटैक द माइलिन इन शीत रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ माइलिन कम्पलीमेंट एक्टिवेशन इन दिस वे इट विल कॉज नर्व इंजुरी जो नर्व इंजुरी जब होगा मैक्रोफेज एक्शन एंड मैक्रोफेजेंज द इंज्यूर्ड पोर्शन ऑफ द माइल शीत ओके दिस इज वन मैक्रोफेज एंड इट हैज कम for the scavenging of the injured myelin sheath so if you take a cross section at this level we can see that this is the macrophage attaching with the myelin sheath for the scavenging purpose so this is how the there is injury in case of acute inflammatory demyelinating polyneuropathy now let's see what happens in the aman or amsan means axonal injury kaise hota hai इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेम मेकेजम्स लाइक ए आई डी पी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो एंटीजन होता है दे रिमेन एट द दे एक्ट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन द नोड ऑफ रेनवियर और इन द पैरा नोडल रीजन तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है दे विल कम एंड दे विल बाइंड विद द एक्जनल एंटीजन एक्जन में जो एंटीजन है उस पर बाइंड करेगा मे बी इन द

Once there is injury in the exon inflammation in the exon, then the macrophage will come into action and they will try to scavenge the injured exon. okay this is the macrophage okay, macrophage has come here. If we take a cross section at this point, we can see like this, okay the macrophage will try to scavenge the injured exon. This is how injury occurs in case of a man or son that is. एक्जनल न्यूरोपैथी और एक्यूट मोटोर सेंसरी एक्जनल न्यूरोपैथी क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखे तो देअर इज ऑनसेट ऑफ द डिजीज जीबीएस इज एन प्रेजेंटेशन एंड इट प्रोग्रेसेज फॉर फ्यू डेज एंड रेयरली अपू वन मंथ जीबीएस में क्या होता है एक्यूट ऑनसेट होता है सिम्टम्स का देन दिमटम्स प्रोग्रेसेस फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर फ्यू डेज देर इज ए प्लेटो Means the symptoms remains at the same state followed by a recovery of the patient. It's a predominantly motor neuropathy. Okay, ascending motor paralysis hota hai, Okay, typically the patient will complain of the weakness, which is motor weakness, which is ascending. Means which will be below upwards. Proximal muscles are more commonly affected than the distal group of muscles. जो रिफ्लेक्स होता है दे आर एबसेंट इन द वीक लिम्स जहां जहां पे मोटर वीकनेस होता है इन डोज होता है मिनिमम होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिस्टल पैरास्टिशिया विथ डिस्टर्ब ट्रॉपियोसेप्शन ओके मेनली जो एक्जनल सेंसरी फाइबर्स है दे पास शो द पोस्टीरियर कलाम

Which results in bifacial weakness and it is almost in half of the cases. Bulbar muscular weakness. Hai. Bulbar muscles are the muscles in the larynx and pharynx which are supplied by the lowermost cranial nerves. So bulbar weakness is also common in guillain Barry syndrome. If it involves the respiratory muscle, it ascends upwards. Ultimately, if it involves the respiratory muscle, then there will be

तो लेट स्टेज में होता है एंड इट इज यूजली माइल्ड ओके माइल्ड होता है एंड हार्डली लास्ट लॉन्गर देन वन वीक होता भी है तो माइल्ड होगा और इट विल नॉट लास्ट फॉर मोर देन वन वीक अगर पेशेंट में मार्क् ब्लड इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड पेशेंट को क्लियर सेंसरी इन्वॉल्वमेंट का लेवल होता है मिलता है पेशेंट में देन वी नीड टू रिवाइज आवर डायग्नोस्टिस अगेंड इट इजली टू बी जीबीएस जब पेशेंट में क्लियर कर एंड अगर मॉकड ब्रादर इन दैट केस वी शुड थिंक ऑफ डायग्नोसिस मिलर फिशर सिंड्रोम वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मिलर फिशर सिंड्रोम ये एक इंपॉर्टेंट वेरियंट है जहां पे कुछ टिपिकल फीचर्स होते है पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल ए रिफ्लेक्शिया होगा ऑल द रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट होगा पेशेंट को ओके इनकोऑर्डिनेशन रहेगा पेशेंट को ऑप्थलमोप्लेजिया होगा बिकॉज ऑफ ऑफ एक्स्ट्रा पैरालस्ट्राकुलर मसल्स एंड लिम वीकनेस जो सिग्निफिकेंट नहीं होगा दीज आर द थ्री सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स इन केस ऑफ मिलरफिशर रिफ्लेक्शिया अटैक्शिया ऑप्थलप्लेजिया विदाउट सिग्निफिकेंट लिम वीकनेस एंड ओफन प्रोसीडेड बाई कैंपाइलो बैक इन्फेक्शन जो डायरिया करता है लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज प्रीसीडेड बाय आई इन्फेक्शन विद जेजुनी। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल है देयर इज वन क्राइटेरिया नोन एज द ब्राइटन्स क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गुलेन बैरी सिंड्रोम सी वॉट इज ब्राइटन्स क्राइटेरिया दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंपिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू मे आस्क दैट Where do you use the Brighton criteria or for diagnosis of what disease you use the Brighton criteria? Now, this is the Brighton criteria used for the diagnosis of Gulenberry syndrome and as well as Miller Fisher syndrome. Clinical case definition for diagnosis with level 1 of diagnostic certainty. Okay, there should be bilateral and flaccid weakness of the limbs. Decreased or Absent deep tendon reflexes in the lower in the weaker limbs Monophysic illness pattern an interval between onset and nadir of weakness Between 12 hours and 28 days and subsequent clinical plateau Okay, the interval hai between onset and nadir of the weakness. It is between 12 hours to 28 days okay, and देर इज सब्सिक्वेंट क्लिनिकल प्लेटो रहता है ठीक है इलेक्ट्रोफिजोलॉजिकल फाइंडिंग इज कंसिस्टेंट विद गुलंड्रोम रहेगा देर विल बी साइटो एल्बोमिनोलॉजिक डिजोसिएशन वेन वी एग्जामिन सी एस एफ में देर विल बी एलिवेशन ऑफ प्रोटीन लेवल ओके अब द नॉर्मल वैल्यू बट सीएसएफ टोटल व्हाइट सेल काउंट विल नॉट राइज इन अ Proportionate manner. There will be total cell count will be less than 50 cells per microliter. That is what is known as albuminologic, uh, cyto albuminological dissociation or albuminocytologic dissociation. Absence of an identified alternative diagnosis for weakness. So, these are the uh, level 1 criteria for diagnostic certainty. Bilateral weakness, ka, flaccid weakness. वीक पोर्शन में डीप टेंडन एबसेंट रहेगा मोनोफिजिकलनेस रहेगा ऑलसेट ऑफ वीकनेस एंड द एंडीर ऑफ द वीकनेस विल बी इन बिटवीन 12 आवर्स टू 28 डेज होगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली जीबीएस का फाइंडिंग मिलेगा सीएसएफ एग्जामिनेशन करो तो साइटो एल्बोमोनोलॉजिकल डिसोसिएशन रहेगा एंड लास्टली देयर विल बी एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइड अल्टरनेटिव डायग्नोसिस फॉर वीकनेस मिलर फिशर सिंड्रोम के बारे में बात करें तो i am just discussing about the level 1 diagnostic uh, level 1 of diagnostic certainty there are other levels of diagnostic certainty also we will not go into the detail of it miller fisher syndrome what are the criterias to be fulfilled there should be bilateral ophthalmoparesis and bilateral reduced or absent tendon reflexes and ataxia absence of limb weakness monophasic illness pattern and interval between onset and nadir of weakness between 12 hours and 28 days and subsequent clinical plateau should be there cytoalbuminologic dissociation as i have described before csf analysis kare to protein elevated rahega lekin csf cell white cell will not rise in a proportionate manner cell count will be less than 50 per microliter Nerve conduction studies will be normal or indicate involvement of sensory nerves only. There will be no alteration in consciousness or corticospinal sign tracks, tract signs, or and there will be absence of identified alternative diagnosis. So, if this patient in patient, then it will be a case of Miller Fisher syndrome. इन्वेस्टिगेशन एज आई सेड सी एस एफ एनालिस करना है इन द सी एस एफ वी विल गेट इन द सी एस एफ वी विल गेट वॉट इज नोन एज एलबोमिनो साइटोलॉजिकल डिजोसिएशन एन सी बी स्टैंड फॉर नर्व कंडक्शन स्टडी ई एम जी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो मायोग्राफी ठीक है तो ये तीन टेस्ट है जो हमको करना है इन अस्पेक्टेड पेशन ऑफ जीबीएस वी विल डू अ नर्व कंडक्शन स्टडी वी विल डू इलेक्ट्रोमाग्राफी एंड वी विल डू अ सी एस एफ एनालिस टू फाइंड आउट

इफ द पेशेंट हेज ऑलरेडी रीच द प्लेटो स्टेज देन ट्रीटमेंट प्रेबली इज नो लॉन्गर इंडिकेटेड ठीक है तो एज सुन एज पॉसिबल हमको ट्रीट करना है आई वी इम्यूनिग्लोबलिन इज एडमिनिस्टर्ड एटोज ऑफ टू ग्राम पर के जी बॉडी वेट ओके ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए पीरियड ऑफ फाइव डेज डेली इन्फ्यूशन देना है ओके गुलेन बैरी सिंड्रोम ऑटो एंटीबॉडीज आर न्यूट्रलाइज

4 to 5 times over 7 to 10 days so this is the course of plasma pheresis. In case of Gulen berry syndrome, glucocorticoids is found to be ineffective, no effect hota hai of glucocorticoids. 30% of patients with Gulen berry syndrome, they will require ventilatory assistance because I said as the disease progresses from below upwards, if respiratory muscle is involved hota hai,

पेशेंट का न्यूट्रिशन जो है उस पर ध्यान रखना है हमको वी शुड एडवाइज फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन पेशेंट विल बी नॉन एम्बुलटरी फॉर सम टाइम इसलिए हमको पेशेंट को डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का प्रोफाइल एक्सेस करना है कार्डियोवास्कुलर स्टेटस वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ओके अर्ली कंसिडरेशन ऑफ ट्रैक्योस्टोमी अगर पेशेंट को दो हफ्ता तक इंट्यूबेशन करना पड़ा Then after two weeks of intubation, we will plan for tracheostomy. And then finally, we have to do chest physiotherapy, which is very important. Lastly, prognosis. kaisa hota hai prognosis. Approximately 85% of patients with Gulenberry syndrome they achieve a full functional recovery within several months to years. Okay. So prognosis jo hai it is quite good. विद इन सेवन मंथर्स एट्टी फाइव में फुल रिकवरी हो जाता है मॉर्टलिटी रेट जो है सब कुछ ठीक है सब कुछ अच्छे से जा रहा है फिर भी द मोर्टलिटी रेट में भी लेस देन फाइव परसेंट इन ए गुड सेटिंग ऑल्सो डेथ जो है क्यों होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ रिजल्ट फ्रॉम सेकेंडरी पलमनरी कम्प्लिकेशन ओके सो दिस इज अबाउट द प्रोग्नोसिस सो ये है जो ग्लेनबेरी सिंड्रोम के बारे में मैं डिस्कस करना चाहती थी इस क्लास में थैंक यू